इस वक्त की नॉर्थ से मिल रही है, जहां मोस्ट वांटेड जीतू सोनी गिरफ्तार हुआ है। मोस्ट वांटेड आरोपी जीतू सोनी को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने गुजरात से गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से आपको दिखा रहे हैं। मोस्ट वांटेड आरोपी जीतू सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो क्राइम ब्रांच की टीम को यह सफलता मिली है। टीम ने गुजरात से मोस्ट वांटेड आरोपी जीतू सोनी को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। हनी ट्रैप मामले से जुड़े हैं जीतू सोनी और इसके साथ ही कई अन्य मामले भी दर्ज हैं। मोस्ट वांटेड आरोपी जीतू सोनी को पुलिस से क्राइम ब्रांच ने, आपको बता दें, गुजरात से गिरफ्तार किया है। तो 1,60,000 का इनामी जीतू सोनी को क्राइम ब्रांच पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार किया है। चलिए ज्यादा हम जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता, जीतू सोनी को गिरफ्तार किया गया है। देखिए बिल्कुल करिश्मा, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर मिल रही है। दरअसल लंबे समय से यहाँ पर भूमाफिया जीतू सोनी की पुलिस को तलाश थी, और जिस तरीके से अवैध ठिकानों को जीतू सोनी के यहाँ पर ध्वस्त किया था, उसके बाद से लगातार जीतू सोनी फरार था, पुलिस को चकमा दे रहा था। और इसी कड़ी में इंदौर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। गुजरात से यहाँ पर जो है वो जीतू सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले दिनों जीतू सोनी के भाई महेंद्र सोनी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था, और उसके बाद में ये कड़ियां जोड़ती चली गई, और हमने कहा था कि जल्द ही जीतू सोनी भी यहाँ पर पुलिस के हत्थे चढ़ेगा, और यही सफलता के साथ में यहाँ पर पुलिस ने जीतू सोनी को यहाँ पर पकड़ लिया है। जल्द ही पुलिस की जो क्राइम ब्रांच की टीमें हैं वो यहाँ पर इंदौर जीतू सोनी को लेकर पहुंचेगी, और इस पूरे मामले में अब कहीं ना कहीं बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर यह सामने आई। करिश्मा बता दें कि 50 से ज्यादा मामले यहाँ पर जीतू सोनी के खिलाफ दर्ज किए गए हैं, जिसमें अवैध कब्जे से लेकर मारपीट, बलवा और ऐसे कई ऐसे गंभीर प्रकरण हैं जिनमें कहीं ना कहीं यहाँ पर जीतू सोनी के खिलाफ यहाँ पर प्रकरण दर्ज किया गया था। लंबे समय से क्राइम ब्रांच की टीम तलाश कर रही थी, और 12 से ज्यादा टीमें गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर सक्रिय थी, जिसके बाद में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जल्द ही यहाँ पर डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा भी करेंगे। पीयूष, उसका इंतजार है, लेकिन पीयूष ये बताएं कि आखिर गुजरात से कैसे ये कनेक्शन बैठा? देखिए बिल्कुल, कहा जा रहा था शुरुआत की दौर से ही कि यहाँ पर जीतू सोनी के कई ऐसे भी ठिकाने हैं जो गुजरात में भी है, और गुजरात कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरह से जीतू सोनी के लिए सेफ भी माना जा रहा था। लिहाजा यहाँ पर जीतू सोनी पहले मुंबई भागने की सूचना थी। सूत्रों ने पहले यह भी बताया कि वो देश छोड़कर भी जीतू सोनी यहाँ से भाग गया है, लेकिन गुजरात के कई ठिकाने, कई फार्म हाउसेस, कई ऐसे ऑफिसेस, दफ्तरों पर भी लगातार टीमें सक्रिय रही, और पूरी रणनीति के बाद में ही गुजरात से टीम ने यहाँ पर जीतू सोनी को हिरासत में ले लिया है। अब देखना यह होगा कि जिन मामलों में प्रकरण यहाँ पर दर्ज किया गया उनमें और कौन सी यहाँ पर पुलिस को नए खुलासे पुलिस कर पाती है, लेकिन फिलहाल ये बड़ी अपडेट, पुलिस को एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिली है। जी पीयूष, बिल्कुल कई इससे तार जोड़ के देखी जा सकती है, लेकिन अभी जो मेन, जिस तरीके से हम मामलों की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे मुख्य मामले हैं जो अभी हाईलाइट तौर पे पुलिस यहाँ पे करेगी, जैसा कि आप बता रहे हैं कुछ ही देर में एक बड़ा खुलासा हो सकता है? देखिए बिल्कुल, महत्वपूर्ण कड़ियों की हम लोग बात करें तो अवैध कारोबार ना सिर्फ जो है अवैध रूप से यहाँ पर बाहर संचालित हो रहा था इंदौर में, जिसे पूरी तरह से पुलिस ने ध्वस्त कर दिया था, नगर निगम की टीम ने यहाँ पर नेस्तनाबूद कर दिया था। कई ऐसे जो सरकारी जमीन पर कब्जे के भी यहाँ पर मामले सामने आए थे, और पुलिस ने लगातार 5 से 6 से बड़े ठिकानों पर भी जीतू सोनी की यहाँ पर दबिश दी थी, और वहाँ पर जो है अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया था। कई ऐसे अवैध होटलों का भी निर्माण यहाँ पर किया था, उन्हें भी यहाँ पर पूरी तरह से प्रशासन ने नेस्तनाबूद कर दिया था। मारपीट के अलग अलग मामले हैं, धोखाधड़ी के कई केस यहाँ पर दर्ज है, बड़े उद्योगपतियों के साथ में धोखाधड़ी के भी यहाँ पर मामले सामने आए थे। कई महिलाओं ने भी जीतू सोनी के खिलाफ यहाँ पर शिकायत पुलिस पर दर्ज कराई थी। 50 से अधिक ऐसे। पीयूष, आप हमारे साथ बने रहे, इस वक्त हमारे साथ डीआईजी हरिनारायण चाड़ी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है बंसली न्यूज में। जी नमस्कार। जी सर, ये बहुत, जिस तरीके से हम देखें, क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता है कि जीतू सोनी को गिरफ्तार किया गया है। सर, इसके पूरे मामले के बारे में मैं जानना चाहूंगे कि और क्या कुछ सर खुलासे हो सकते हैं इससे जुड़े। इसके बारे में विस्तार से 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, लेकिन सामान्य तौर पे कहें तो ये बात सही है कि गिरफ्तारी हो चुकी है, और निश्चित तौर पे पुलिस की टीम काफी दिनों से इसमें लगातार प्रयासरत थी, और पिछले दिनों के जो बड़े भाई को भी पकड़ा गया था उससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिली थी, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई है। जी सर, एक और चीज जानना चाहूंगी, क्योंकि गुजरात से कहीं ना कहीं ये कनेक्शन बैठा है, तो क्या हम ये माने कि और भी कड़ियां हैं जो उससे जुड़ी हो सकती हैं? उसमें जब कोई भी अपराधी या कोई भी इस तरह से व्यक्ति जो वांटेड भागता है तो कई जगहों पे छुपने की कोशिश करता है, तो उसमें जैसे मैंने बताया कि अभी हाल ही में
उससे जुड़े एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को पकड़ा गया था, जिसे कई महत्वपूर्ण जानकारियां पुलिस के हाथ लगी थी। पुलिस की टीम लगातार प्रयासरत थी, उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। जी बिल्कुल, ये सफलता के तौर पे है। और आगे अगर हम प्रोसीडिंग की बात करें, आगे क्या कुछ कार्रवाई इस पे हो सकती है, अगर आप कुछ बातें हमारे साथ शेयर करना चाहें। उस कड़ी में बहुत सारे मामले हैं जिस बारे में पुलिस की टीम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उन मामलों के बारे में अब पुलिस विस्तार से पूछताछ करेगी और आगे की कार्रवाई करेगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ DIG इंदौर से हरि नारायण चारी मिश्र जुड़े थे। उनका ये कहना कि पुलिस की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है, आगे पूछताछ के बाद ये पूरी कार्रवाइयां होंगी। लेकिन उन्होंने एक चीज ये बताई कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही विस्तार से जानकारी दी जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि मोस्ट वॉन्टेड आरोपी जीतू सोनी को क्राइम ब्रांच ने गुजरात से गिरफ्तार किया है। तो काफी लंबे वक्त से पुलिस को उनकी तलाश थी। हाल ही में महेंद्र सोनी उनके भाई को गिरफ्तार किया गया था, जीतू सोनी के भाई को, लेकिन अब गुजरात से ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में गुजरात से भी कई तार जुड़े हो सकते हैं। हालांकि इस पूरी बातों की पुष्टि शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी।